हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 5 का यूनिट 8 पीस लव एंड हार्मोनी पोयम को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 92 में है। सो सभी को ये भी अपना अपना बुक खोलिए, पेज नंबर 92 टर्न कीजिए। और इस पोयम को पढ़ने के पहले हम ये जान लें कि पीस क्या होता है। पीस यानी शांति। पीस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। पीस हमारे मन की एक अवस्था है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम पीस महसूस कर रहे हैं, शांति महसूस कर रहे हैं? शांति हमें तब महसूस होती है बच्चों, जब हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, और जब किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े दंगे फसाद नहीं होते हैं, उस समय हमारा माइंड, हमारा मन पीसफुली रहता है, शांतिपूर्ण रहता है, राइट? एवरीवन वांट्स टू लिव इन पीस। इस दुनिया में सभी कोई शांति से रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पोयम में हम पीस, लव और हारमोनी को और थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं कि पोएट यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? पीस, लव एंड हारमोनी, व्हाई इज देयर वॉर इन द इकोनॉमी? गन्स, ब्लड एंड डेथ। डज एनीवन डाई ऑफ बैड हेल्थ? पीस यानी शांति, लव प्यार, हारमोनी सामंजस्य, तालमेल, ठीक है, बैलेंस बना के रहना। व्हाई इज देयर वॉर इन द इकोनॉमी? वॉर यानी युद्ध, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। तो जब सभी लोग पीस, लव और हारमोनी के साथ ही रहना चाहते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था में युद्ध, वार क्यों होता है? क्यों देश देश आपस में लड़ते हैं? क्यों लोग आपस में लड़ते हैं? क्यों धर्म के कारण झगड़े फसाद होते हैं? गन्स, ब्लड एंड डेथ। गन्स यानी बंदूक, ब्लड खून, डेथ यानी मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाना, ठीक है। डज एनीवन डाई ऑफ बैड हेल्थ? यहाँ पर बैड हेल्थ का तात्पर्य यह है कि हमारा शरीर अस्वस्थ कब होता है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा शरीर कमज़ोर होता जाता है और हमारा हेल्थ भी बैड होता जाता है, डाउन होता जाता है, है ना? तो जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में अगर युद्ध का ही माहौल होगा, तो ज़रा सोचिए, चारों तरफ सिर्फ हमें बंदूकें, खून और मृत्यु ही दिखेगी, लोग मरे पड़े दिखेंगे, है ना? तो वैसी स्थिति में कोई भी किसी का भी लाइफ स्पैन बुढ़ापे तक नहीं रहेगा, सब कम उम्र में ही युद्ध करके मर जाएंगे। Why do we kill? Enmity, greed or thrill? Who will pay the bill when the bodies are all still? हम लोग एक दूसरे को मारते क्यों हैं? एक दूसरे का कत्ल क्यों करते हैं? Enmity यानी दुश्मनी के कारण, greed किसी प्रकार के लालच से, thrill किसी प्रकार का डर। तो ऐसा होता है कि ये एनमिटी जो है, दुश्मनी, ये भी एक फीलिंग है जो हमारे अंदर ही होती है। हम लोग अपना गुस्सा, दुश्मनी, ये सब हम लोग निकालते हैं, इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता है, फिर भी हम इंसान देश देश में हम आपस में दुश्मनी करते हैं। ग्रीड लालच, यानी कि लालच से, थ्रिल किसी प्रकार का डर से हम लोग दूसरे का कत्ल करने का सोचते हैं, तो ये बहुत ही बुरा थॉट है। अगर ज़रा सोचिए, अगर
सभी लोग दुश्मनी के कारण, लालच के कारण या किसी भी प्रकार के डर के कारण एक दूसरे को मार देंगे, चारों तरफ सिर्फ बॉडीज ही बॉडीज होंगी जो कि बिल्कुल स्टिल होंगी, है ना, जो एकदम शांत, स्टिल यानी स्थिर रह जाना। तो जब हम लोग मर जाएंगे उस समय हमारा शरीर जो है वो स्टिल हो जाएगा। ओके, देन हु विल पे द बिल व्हेन द बॉडीज आर ऑल स्टिल, जब हमारा सबका शरीर, सारे बॉडीज, सारे लोग अगर मर जाएंगे तो बिल कौन पे करेगा? बिल यानी हॉस्पिटल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत तरह के होते हैं बिल जो हम लोग पे करते हैं, क्योंकि इस तरह से ही अगर युद्ध होते रहेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ अगर लड़ते रहेंगे तो बिल पे करने के लिए कोई इंसान नहीं बचेगा इस दुनिया में। पीस इन द वर्ल्ड वी वॉन्ट टू सी, वाई डू पीपल फ्ली, वी शुड ऑल सेलिब्रेट विद ग्ली, पीस लव एंड हार्मनी। पीस यानी शांति, इन द वर्ल्ड वी वॉन्ट टू सी, इस दुनिया में हम सभी शांति देखना चाहते हैं, हम सभी शांति से रहना चाहते हैं। वाई डू पीपल फ्ली, क्यों लोग भागते हैं, क्यों लोग अपनी जान बचाने के लिए या किसी की जान लेने के लिए क्यों भागते हैं, क्या कारण है? वी शुड ऑल सेलिब्रेट विद ग्ली, पीस लव एंड हार्मनी। तो पीस लव और हार्मनी को हम लोगों को खुशी खुशी उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये लाइफ है ये एक ही लाइफ है और इस लाइफ में हमें दुश्मनी, डर, लालच, ये सब बैड थॉट्स को हमें अपने अंदर वास करने नहीं देना है। हम लोगों को शांति, प्यार और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके एकता से रहना है। Put on new dress, sing and dance, and give peace a golden chance. तो हम लोगों को पीस को, लव को एंड हार्मनी को बहुत ही खुशी खुशी उत्सव के साथ नए कपड़े पहन के, नाच गा करके मनाना चाहिए और पीस को यानी शांति को एक और सुनहरा मौका हमें देना चाहिए कि वो हमारे बीच रहे, हमारे अंदर रहे, और ताकि हम सबके साथ, हम सभी कोई प्यार से अपना ये लाइफ स्पेंड कर पाए। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये पोयम में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम सभी को, हमारा ये एक ही लाइफ है और हमें इस लाइफ में सबके साथ शांति से, प्यार से और मिलजुल करके रहना है। किसी भी तरह का बैड थॉट्स हमें हमारे अंदर आने नहीं देना है। ओके, तो हमारे अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का, इस पोयम का एक्सरसाइजेस वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ओके,